बिल्कुल, मैंने सवाल आपका सुन लिया। इस सवाल ने परेशान तो मुसलमानों को करना ही है कि काबा शरीफ में दुआएं होती हैं, रमज़ान मुबारक में जब कुरान ख़त्म होता है इमाम साहब पौना पौना घंटा रोते हैं, दुआ करते हैं, लोग भी रोते हैं, कोई असर नहीं होता, होना चाहिए नहीं। बिल्कुल अल्लाह ताला को नहीं चाहिए कि अपनी सुन्नत तब्दील करे और हम मुसलमानों की मदद करें। अगर वो ऐसा करे तो उसका भी कोई कैदा कानून, साफ बात है इन मुसलमानों की कोई नहीं सुनी गई। ये बेशक रोएँ आसमान हरा दे ना चीख चीख कर, इन पर मसायब का ही नज़ूर होना चाहिए। ये मुस्तक उसके कानून खुदाबंदी किसी की रियायत नहीं करता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद मौजूद थे, सहाबा किराम की जमात थी, वादा था अल्लाह का कि 3,000 के ज़रिए मदद करूँगा, की भी मैदान उहद में फतह हो गई, मगर गलत काम किया कि जहाँ आपने दर्रा पर मुकर कर लिए थे 50 सिपाही, तुमने दर्रा नहीं छोड़ना, हम हारे या जीते 40 बाद नहीं आए। अमीर लश्कर कह रहा है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के, भाई हजूर का हुक्म है, रुको, नहीं रुके, छोड़ गए, लूट का माल इकट्ठे करने चले गए, 10 आदमी रह गए, खालिद बिन वलीद ने चक्कर काटा और उनको भी कत्ल किया, फतह शिकस्त में बदल गई। और जब रोए चिल्लाए सूरह आल इमरान, अल्लाह ने कहा मैं नबी को क्या करूँ और साहबा को क्यों रसूल तोड़ा, असह तुम रसूल, तुमने रसूल की नाफरमानी की, कानून की खिलाफ वर्जी, दर्रा खाली कर दिया, नतीजा निकलना था ही। इसलिए साहब मुंह पर तमांचा लगा कि तुम क्या कहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी खातिर अपनी आदतें बदल दे। इसीलिए अमीर उमारी इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल ये याद रखना चाहिए, सब लोगों तक पहुँचाएँ कि अब दाई बिल अमर, जो करता कुछ नहीं और दुआएँ करता ना, कर रामी बेकौसम बिलावा कर, वो ऐसे ऐसी कमान से तीर चला रहा है जिसके आगे तंदी नहीं, कोई वो तीर को खींचने वाली बात ही नहीं, तीर क्या करे, पहले काम करो जो तुम्हारे बस में है, पूरा जोर लगाओ, फिर अल्लाह से मदद मांगो। इकबाल यही कहते हैं, बाद दुआए नुसरत पैगामीने, अल्लाह के रसूल की एक तरफ मदद की दुआ होती थी कि अल्लाह मदद कर, और दूसरी तरफ तलवार आमीन कहती थी, आमीन मुस्लिम नहीं तलवार कहती, पूरा असला होता था, कुव्वत होती। अब करते कराते मुसलमान कोई नहीं, इमाम काबा रो या दूसरे को क्या बनेगा। और आपने वहाँ की मिसाल दी, मैं तो जाता रहा, जानता हूँ कि अब इमाम काबा कितने मजलूम हैं और हरम शरीफ कितना महबूस है कि इमाम काबा अपनी मर्जी से दुआ नहीं कर सकता, आयत नहीं पढ़ सकता, लिखी देते हैं वो सिर्फ पढ़ देता, कभी फिक्र रह जाता, पीछे से पढ़ना शुरू कर, जैसे किताब सुनाई, कोई खिताबत नहीं, कोई लेक्चर नहीं, कोई आज़ादी नहीं कि वो आसानी से आराम से टोके कि क्या कर रहे हैं, सिपाही सामने बैठा होता है कि अगर आयत भी तब्दील की उसी वक्त नोट कर रही। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत नाज़िल, और आप देखते हैं कि वो कब गिलाफ काबा लोग चीखे कि आपने ये भी कह दिया, मैंने कहा पढ़ो, जब ये शुरू हुआ था उम्मत रोई थी कि काबे को क्या ज़रूरत है इतने गिलाफ की, करोड़ों रुपया उस पर खर्च होता है, सोने के तार गुजरते हैं, याची लोग भूखे मर रहे हैं और आप काबे पर गिलाफ चढ़ा रहे हैं, और कौन है बानी इसका यजीद पलीद कि उसने रेशम का लिबास चढ़ाया, बाद से हुक्मरानों ने यह ढोंगर चढ़ा लिया, हज़ारों मरबे ज़मीनें वक्त मिसर में काबे का गिलाफ तैयार हो रहा, भाई कोई बात है करनी, और सोना चढ़ा दिया उसके दरवाज़ों पर। उलमा लिखते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक ज़ालिम था, लोग क्या बोलते हैं, उलमा वहाँ इमाम हुसैन उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए, उलमा बेचारे क्या करें, वरना ये कोई दीन का काम नहीं। हजूर ने पेश बही की थी कि जैसे यहूद और नसारा ने अपने बाद गाँ जो है उनको बना संवार दिया, ऐसे ही तुम क़यामत से पहले करोगे, बहुत सोने चांदी नुमाइशें, सादा हो, साफ सुथरी हो, खुशबूदार हो, सादा मस्जिद, दीवारों पर ये नक्शों नगार और लिखा हुआ, किताबें निकालें, डॉक्टर साहब पूछे फुकहा भी लिखते हैं कि ये सब हराम है, लोगों की तवज्जो नमाज में बढ़ती है, वो देखते रहते हैं इबारतें क्या, जब वो मारा शिकस्ता होती है वो आते हैं, फिर बेदबी होती है उनकी, मगर लोग अपनी मर्जी करते हैं, दीन को नहीं मानते और फिर कहते हैं अल्लाह मदद करे, अल्लाह मदद उनकी करेगा जो अल्लाह के बनेंगे, फिर अल्लाह ज़रूर फरिश्तों से मदद कर देगा और अपनी कुदरत कामला से थोड़े होते ही फंसा देगा, वरना अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अच्छे काम हम नारी नस्बत करें, फिर भी अगर हम कर्मा को करो उनसे बदतर हों, अल्लाह ताला खाम खा पार्टी बने, तो अल्लाह का गिला ना करें, अपनी शिकायत करें कि हम क्या करें, पूछ रहे आखिरी कर रहे ना, वक्त हो गया जी, करें करें वो भी तो वहाँ दुआ मानते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है।
नहीं आप बिल्कुल सच्चे हैं, अल्लाह ताला उन मासूम बच्चों को क्या करे, वो भी अगर बचे हुए हैं तो समझे उनकी बरकत से हम भी कुछ ना कुछ फिर भी रात मिल रही, वरना सफ़े से ज़मीन से अल्लाह ख़त्म कर देता। जो बालिग लोग हैं ना अल्लाह उनके अमाल देखता है किस कौम, वरना तूफान नूह आया तो मासूम बच्चे तो वहाँ भी थे। इमाम इब्ने कसीर ने एक वाक़ा लिखा दिल हिदा लेने वाला, कि अगर जब अजाब आता अल्लाह बच्चों का ख्याल करे तो उस वक्त करता, कि एक माँ थी उसका एक बच्चा था गोद में, जब पानी बढ़ना शुरू हुआ उसने उसको उठा लिया या सीने से लगा, जब और पानी बढ़ा तो उसने अपने कंधों पर उठाया, फिर बेचारी ने सर के ऊपर उठाया, पहाड़ पर चढ़ गई मगर डोब दिया, डबो दिया माँ। तो वहाँ लिखा कि अगर अल्लाह ताला ऐसे धर्मों पर रहम करता तो वहाँ करता कि माँ कितने तरले दे रही थी, मगर नहीं जब सफर पर। और हजूर अलैहि सलाम ने इतनी तसल्ली दी कि फैसला तो होगा भाई लोगों के किरदार पर, बाकी जो उनमें बेगुनाह होंगे थोड़े से वो क़यामत के दिन ज़रूर उनसे अलग हो जाएंगे, उनको अल्लाह ताला इनाम देगा। मगर जब वबाए आम आती है और अल्लाह की तरफ से पकड़ो, उसमें फिर कहाँ ये फ़र्क किया जाता है, जलजला आता सब कुछ ले जाता। आप भी दें, आप भी जब हम अपने अमल और अपने रिजल्ट में हलाल चीज़ें नहीं रखते उसमें आराम शामिल कर देते हैं, अल्टीमेटली कोई आराम तो नहीं होता। हम चलते चलते ऐसी एक मूंगफली उठा के खा लें, हालांकि उसमें ऐसे उस पर हराम नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो एक गलत हमने ले लिया, वो जब हमारे मेटाबॉलिज्म में शामिल हो गए वो सिलसिला, एक्चुअल हम उस स्टेज पर चले गए हैं जहाँ से अब वापस मुमकिन नहीं। ये वही बात है जैसे एक कतरा दूर में गिर जाए गान का तो वो सही नहीं हो सकता, तो ये एक्चुअल वही प्रॉब्लम है। हमने अपने सारे खाने पीने रिजल्ट हलाल हराम की तमीज को सभी लोग तकरीबन आई थिंक भूल गए हैं, कहीं ना कहीं हमें ऐसा शामिल हो गया। अब या तो या हम वो जैसे ना जब एक बीमारी एक स्टेज तक पहुंच जाए उस स्टेज के बाद हम भी घर में बैठे होते हैं, कई बुजुर्गों को देखा है फिर हम थोड़े यादी पढ़ते हैं या अल्लाह इसका पता डालते हैं, हम एक्चुअल इस करप्शन में बुराई में ये जो गलत है उस हद तक पहुँच गए हैं कि अब हमारी वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही। या तो हम अपने हलाल करें फूल को सारे को निकाल दें और वो मुमकिन नहीं, जब निकलेगा हम डेथ हो जाएंगे। और ये नहीं ना उम्मीदी का तो डॉक्टर साहब कोई सवाल नहीं, ये जो है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर लौटना चाहें लोग तौबा करना चाहें बाद आएँ तो आ सकते हैं, मगर इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, खुद लोग जो हैं वो अपने आप को बदलने का इरादा करें।